हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 31 जुलाई को एसएससी ने एक नया नोटिस जारी किया गया है, जो कि डिटेल्स ऑप्शन फॉर्म फॉर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए है। जो लोग भी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2019 का एग्ज़ाम ट्रायर टू क्वालिफाई कर चुका है, उन लोगों के लिए यह नोटिस है। आप लोग को पता होगा कि एसएससी तभी ऑप्शन फॉर्म जारी करता है जब बीबी होने वाला है, तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है एसएससी की ओर से। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब मेरे चैनल से जुड़ने के लिए और एसएससी रिलेटेड कोई भी न्यूज़ के अपडेट के लिए मेरे चैनल से जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं उसका हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएससी ने ऑप्शन फॉर्म जारी किया है, जो कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका जो भी नाम है आप लिखिएगा। उसके बाद रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है वहाँ पर आप लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए पोस्ट फॉर व्हिच यू आर एलिजिबल, आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उस पर आप लिख दीजिएगा येस और नो। जिसके लिए आप एलिजिबल है उसके लिए येस लिखेंगे, जिसके लिए एलिजिबल नहीं है उस पर आप नो लिखेंगे। उसके बाद आपका कोड जो दिया गया है, आपका अलग अलग मिनिस्ट्री के लिए अलग अलग कोड है, A1, D1, D2। आप देख लीजिएगा कौन सी मिनिस्ट्री में आप एलिजिबल है या कौन सी मिनिस्ट्री में आप जाना चाहते हैं। लास्ट में आप देखिए टोटल 8 आपका 8 स्पेस है, 8 स्पेस में आपको कोड डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका सिग्नेचर, नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट लिखना पड़ेगा। आप इस फॉर्म को डाउनलोड करके रख दीजिए और फॉर्म को भी फिलअप कर दीजिए। जब भी आप एसएससी की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट जारी किया जाएगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि एसएससी से गुड न्यूज़ आ रहा है, क्योंकि देखिए एसएससी तभी ऑप्शन फॉर्म जारी करता है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 15 जून को आपका रिजल्ट आ चुका था, लेकिन उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया था, अभी भी नहीं आया। लेकिन फिर भी देखिए एक उम्मीद की किरण आ रहा है कि आपका ऑप्शन फॉर्म जारी किया गया है। अभी जो हालात है कोविड-19 है इंडिया में, इसके वजह से जो आगे की एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है कि एसएससी अपना काम कर रहा है। और जैसे यूपीएससी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इंटरव्यू ऑनलाइन करा रहा है, तो मुझे लग रहा है एसएससी भी सेम प्रोसेस में जाएगा, क्योंकि अभी मैनुअल कराना पॉसिबल नहीं है। आप सोच सकते हैं दिल्ली मुंबई में क्या हालात है, वहाँ पर स्टूडेंट भी अभी जाना नहीं चाहेगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी अब ठीक नहीं है, तो इसके कारण से आप वहाँ पर जा भी नहीं सकते हैं ठीक से। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि एसएससी अपना काम कर रहा है, और अगले हफ्ते तक उम्मीद किया जाए कि एसएससी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी करे। और जो आगे की जो रिजल्ट स्टे लग चुका है, जैसे एसएससी जूनियर इंजीनियर या एमटीएस या सीजीएल हो गया, सबका रिजल्ट भी धीरे धीरे जारी करें। तो चलिए, मुझे लगा कि आपको ये इम्पोर्टेंट बात बताना चाहिए था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।